नमस्कार दोस्तों, मैं फन फूड से आज हम मिक्स पिकल बनाने जा रहे हैं। नॉर्मली अचार हम सब तरह का खाते हैं, मिर्ची का, मूली का और मिक्स अचार, केरी का, हर चीज़ का अचार आजकल खूब बन रहे हैं। तो आइए हम मिक्स पिकल बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम पहले देख लेंगे। तो इसमें सारे मसाले मैंने पिसे हुए लिए हैं, जीरा, सौंफ, गरम मसाला, काली मिर्च और ये अमचूर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और जिसका हम मिक्स करके बनाएंगे वो चीज़ें, हरी मिर्च, अदरक, गाजर और ये मूली। तो हम आइए दोस्तों, पहले हम इन्हें साफ करके इन्हें छील लेते हैं। दोस्तों हम मैंने पहले सब को छील के बना लेते हैं। ये मैंने एक डब्बा ले लिया है, तो अच्छा वाला एक प्लास्टिक का या कांच का आप कंटेनर ले लें, फूड कंटेनर है, मैं इसे ले रही हूँ। इसमें सारी सब्जी इसमें मैं डाल के कम से कम 24 घंटे के लिए इसे मैं रख दूंगी। तो ये हमने डाल ली है, इसका 2 बड़े चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे करके। दोस्तों ये 24 घंटे के लिए हम इसे बंद कर देंगे, बाकी आप बीच में एक दोबारे से हिला दें। तो हम मिलते हैं आपसे 24 घंटे के बाद। दोस्तों हमें 24 घंटे हो चुके हैं, हम अब ये अचार जो हमने नमक डाल के रखा था उसे हम देख लेते हैं। इसमें देखते हैं पानी है, पानी हो तो इसको निकाल दें हम। ये देखिए इसमें पानी कितना बन गया है। दोस्तों ये पानी देखिए इतना इसमें निकल आया है। अब हम ये सारी चीजों को एक ट्रे ले लेते हैं, एक हमने पेपर ले रखा है, इस पे आप कपड़ा बिछा दें या फिर डायरेक्ट ही कपड़े पे, आप पेपर पे ना बिछाए, पेपर पे कलर निकल आते हैं, तो आप भी हम इसे इस पे डाल देते हैं सारा। ये हमने सारा डाल दिया है और ये हम पंखे की हवा में या फिर धूप में आप
आपके यहाँ जो भी सुविधा हो आप उसमें इसे सुखा लें। इसमें थोड़ी सी भी नमी नहीं रहनी चाहिए, ये पूरी तरह आप सुखा लें। इसके बाद अपन इसमें मसाला मिलाते हैं। तो मैं ये पक्के की हवा में रख देती हूँ। इसे मैं पंखे की हवा में रखने जा रही हूँ, फिर मिलते हैं, ये सूख जाएगा फिर हम आपसे मिलते हैं। दोस्तों हमारी ये मिर्ची और ये मूली, अदरक, प्याज, गाजर, ये हमारी सारी सूख गई है। हम अब अचार बना रहे हैं। अब अचार में ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम ये इसमें बाउल में डाल लेते हैं। इसमें हम अब इसे मसाले मिलाएंगे। सौंफ, ये भुना जीरा, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, नमक हमने मिला दिया है इसमें, नमक का ही है इसलिए हल्का सा नमक हम और ऐड कर रहे हैं, हल्दी और ये लाल मिर्च, लाल मिर्च ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आप मिक्स कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों हमारा अचार ये बनके तैयार हो गया है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दें और इसमें हम विनेगर डाल दे रहे हैं, 2 चम्मच विनेगर। विनेगर से हमारा ये मसाला जो अचार है हमारा कम से कम 5 से 6 महीने तक हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हम ये 2 चम्मच आप ढक्कन की सहायता से इसे नाप लें। आप ये 2 ढक्कन इसमें हम विनेगर, फ्रूट विनेगर है जिससे हमारी अचार हुआ या कोई भी चीज़ हमारी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, तो हमने ये विनेगर इसमें मिला दिया है। दोस्तों देखिए हमारा पूरा मसाला एक एक चीज में अच्छे से मैश हो गया है। देखिए मिर्ची में, मूली में, गाजर में, अदरक, हर चीज में मिक्स है। अब ये हम किसी भी कंटेनर में, प्लास्टिक में या कांच में, दोनों में से किसी चीज में भी भर के हम इसे रख लेंगे। और आप फ्रिज में रखें या फिर बाहर रखें, हम कम से कम इस अचार को हम 6 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरी चीज़ें आपको कैसे लगती हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। आप ये अचार ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं। थैंक यू।